उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। वहीं बजट सत्र गैरसैंण में न करने को लेकर विपक्ष मुखर हो गया। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर धरना दिया। इस दौरान विपक्ष के विधायक सदन के बाहर हाथों में तख्तियां पकड़कर बैठे रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान और अब सरकार बनने के बाद भी लगातार गैरसैंण की अनदेखी करके जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल नाम मात्र के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार ने केवल गैरसैंण को लेकर दो लाइन का प्रस्ताव पास किया है, जो केवल दिखावा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण से उत्तराखंड के लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हैं और इसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, जिसका जवाब भाजपा को देना होगा। आहूत किया है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और यहाँ पर भी, और हम आज नियम 310 के तहत विधानसभा के अंदर सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और सड़क पर भी हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। हम जनता के भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलनकारियों का।